हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिवर्सिबल मशीन, नॉन रिवर्सिबल मशीन के बारे में। रिवर्सिबल मशीन क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं। तो इफ़ ए मशीन इज कैपेबल ऑफ डूइंग सम वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर द एफर्ट इज रिमूव्ड इज कॉल्ड रिवर्सिबल मशीन। मतलब कह सकते हैं कि जब हम एफर्ट अपना रिमूव कर देते हैं तो रिवर्स डायरेक्शन में वो मशीन अगर वर्क करता है तो उसको हम लोग रिवर्सिबल मशीन कहेंगे। जैसे हम लोग कुएं से पुली एक्स का एग्जांपल है रिवर्सिबल मशीन का। जैसे कुएं से हम लोग पानी खींचते हैं, तो जैसे अगर हम वहाँ पे एक रोप पकड़े रहते हैं, अगर रोप को हम छोड़ दें तो फिर अपने रिवर्स डायरेक्शन में वो बकेट नीचे कुएं में गिर जाएगा। तो इसको हम लोग रिवर्सिबल मशीन को इस तरह से समझ सकते हैं। और फॉर रिवर्सिबल मशीन तो इसके लिए जो मेरा होगा एफिशिएंसी ग्रेटर इक्वल टू 50% होगा। मतलब कि अगर इक्वल है तो रिवर्सिबल पॉइंट पे एडजस्ट, अगर ग्रेटर देन है 50% तो उसको हम लोग रिवर्सिबल मशीन बोलेंगे। अब देखते हैं नॉन रिवर्सिबल मशीन, इसको हम लोग सेल्फ लॉकिंग मशीन भी कहते हैं। तो इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो इफ़ ए मशीन इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग सम वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर द एफर्ट इज रिमूव्ड इज कॉल्ड नॉन रिवर्सिबल मशीन और सेल्फ लॉकिंग मशीन। इसका कंडीशन जो होगा एफिशिएंसी लेस देन 50%। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा स्क्रू जैक। जैसे ए कार रेस्टिंग ऑन ए स्क्रू जैक नॉट कम डाउन ऑन द रिमूवल ऑफ द एफर्ट, इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिवर्सिबल मशीन। जैसे स्क्रू जैक से कोई भी व्हील वगैरह चेंज करने के लिए हम लोग कार को स्क्रू जैक से लिफ्ट करते हैं और फिर अगर हम एफर्ट लगा अप्लाई करना छोड़ देते हैं तो इसका ये मतलब तो देखते हुएगा आप लोग कि कार ऊपर ही रहता है, वो रिवर्स डायरेक्शन में वर्क नहीं करता है। तो ये नॉन रिवर्सिबल मशीन का एक अच्छा एग्जांपल है, इसको सेल्फ लॉकिंग मशीन भी बोलते हैं। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी, कंडीशन फॉर रिवर्सिबिलिटी ऑफ मशीन। तो अब रिवर्सिबिलिटी का कंडीशन जो हमने एफिशिएंसी ग्रेटर इक्वल टू 50% देखा है तो उसको हम लोग देखते हैं कैसे आता है वो। तो यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ एज्यूम कर लिए हैं। डब्लू लोड लिफ्टेड, पी इक्वल टू एफर्ट रिक्वायर्ड, एक्स डिस्टेंस मूव्ड बाई लोड, ये सब पहले से हम लोग जानते भी हैं। वाई इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाई एफर्ट। तो इनपुट, तो इनपुट यहाँ पे पी इंटू वाई इनपुट हो जाएगा और आउटपुट जो होगा डब्ल्यू इंटू एक्स आउटपुट होगा। तो मशीन फ्रिक्शन मतलब जो भी लॉस है तो इनपुट माइनस आउटपुट जो होगा वही मेरा मशीन फ्रिक्शन होगा। तो अब फॉर मशीन टू रिवर्स, अब रिवर्स होने का कंडीशन क्या होगा कि आउटपुट मेरा जो होगा वो ग्रेटर होगा मशीन फ्रिक्शन से। अगर आउटपुट ग्रेटर होगा मशीन फ्रिक्शन से तो ये मेरा रिवर्स डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो आउटपुट इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एक्स ग्रेटर देन पी इंटू वाई माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स। ऊपर से जो इक्वेशन है उसको हम लोग पुट कर दिए, देयर फोर डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू एक्स को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो टू डब्ल्यू एक्स ग्रेटर देन पी वाई। अब इस तरह से टू पी वाई को लेफ्ट साइड में लाते हैं इसके डिवाइडर में और टू को इधर लेकर जाते हैं, तो इस तरह से डब्ल्यू एक्स बाई पी वाई ग्रेटर इक्वल टू वन बाई टू। तो देयर फोर डब्ल्यू एक्स आउटपुट होता है और पी वाई इनपुट होता है, तो आउटपुट बाई इनपुट ग्रेटर इक्वल टू 1.5 और आउटपुट बाई इनपुट को हम लोग इफिशेंसी बोलते हैं। तो इस तरह से इफिशेंसी ग्रेटर इक्वल टू 50% मेरा मिल गया। तो फॉर ए मशीन टू रिवर्स इफ इफिशेंसी ग्रेटर इक्वल टू 50% होगा तो ये मेरा रिवर्सिबल मशीन का कंडीशन होगा। तो इस तरह से ये हम प्रूफ कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लॉ ऑफ मशीन। तो लॉ ऑफ मशीन क्या है वो देखते हैं। तो लॉ ऑफ मशीन कुछ नहीं है, एक रिलेशन है, स्ट्रेट लाइन का रिलेशन है। पहले से भी हम लोग जानते हैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो होता है मेरा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। तो इस तरह से एक ग्राफ बनाए वाई और एक्स एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे हम लोग एफर्ट को प्लॉट किए हैं और एक्स एक्सिस पे हम लोग लोड को एफर्ट किए हैं। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि द लॉ ऑफ मशीन इज गिवेन बाय रिलेशन पी इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी। तो वेयर पी एफर्ट होगा, डब्ल्यू लोड लिफ्टेड होगा, एम जो होगा वो कांस्टेंट होगा या कह स्ट्रेट लाइन को वो स्लोप भी कह सकते हैं या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, और सी जो होगा कांस्टेंट होगा जो कि मशीन फ्रिक्शन वे लाइन जो होगा यहाँ पे दिखाया हुआ है। और इस तरह से द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन आर मेड फ्रॉम द ग्राफ। तो ऑन ए मशीन इफ डब्ल्यू इज जीरो,
ऑन ए मशीन इफ डब्ल्यू इज जीरो मतलब लोड जीरो हो जाता है तो इफोर्ट जो सी अप्लाई है इज रिक्वायर्ड टू रन द मशीन, तो वो जो पहले से एक इंटरसेप्ट जो सी लोड जो दिखाया गया वो सफिशियंट है मशीन को चलाने के लिए, मतलब अगर लोड फ्री है कोई मशीन तो हेंस इफोर्ट सी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम मशीन फ्रिक्शन। अगला पॉइंट देखते हैं, इफ लाइन ए बी क्रॉसेस एक्स एक्स एक्सिस, अगर ए बी लाइन जो है ये अगर एक्स एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है डैट इज की ये निगेटिव निगेटिव वाई एक्सिस में सी का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, तो विदाउट एफोर्ट पी सम लोड कॉल भी लिफ्टेड विच इज इम्पॉसिबल, जो कि बिना एफोर्ट के कोई मशीन चले ऐसा हो ही नहीं सकता है, जो तो ये बात जो है मेरा इम्पॉसिबल है। हेंस लाइन ए बी नेवर क्रॉसेस एक्स एक्सिस, मतलब जो ये ए बी लाइन हो कभी भी नीचे एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जा सकता, मतलब निगेटिव नहीं होगा मैक्सिमम अगर ओरिजिन पे आएगा, तो अगर ओरिजिन से ये लाइन पास करता है भी तो इसको हम लोग आइडियल मशीन का कंडीशन होगा डैट इज सी वैल्यू जीरो होगा, जो कि तीसरा पॉइंट यही है, इफ़ लाइन ए बी पासिस थ्रू ओरिजिन नो इफोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस फ्रिक्शन सच ए ग्राफ इज फॉर आइडियल मशीन, तो ये जो मेरा ओरिजिन से अगर पास करता है तो ये मेरा आइडियल मशीन का कंडीशन होगा आइडियल मशीन। तो दोस्तों अब इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, अब मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज भी पूछा जाता है तो ये क्या होता है, तो पहले तो हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज जो जानते हैं कि डब्ल्यू बाई पी होगा फ्रॉम लॉ ऑफ मशीन, तब लॉ ऑफ मशीन से अब फिर हम पी का वैल्यू जान रहे हैं कि पी इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी, तो देयर फॉर अब मैकेनिकल एडवांटेज और डब्ल्यू बाई पी के जगह ये वैल्यू पुट करते हैं एम डब्ल्यू प्लस सी, और इस तरह से डब्ल्यू को नीचे लाते हैं डिवाइडर में तो मिलेगा वन बाई एम प्लस सी बाई डब्ल्यू, और जब सी बाई डब्ल्यू रेशियो को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं तो मेरा मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है जो कि होता है मेरा वन बाई एम, तो यही मेरा मिला। और मैक्सिमम इफिशेंसी, तो मैक्सिमम इफिशेंसी का बात करते हैं, तो मैक्सिमम इफिशेंसी क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज डब्ल्यू बाई पी फ्रॉम लॉ ऑफ मशीन से, फिर वही पी इक्वल टू एम डब्ल्यू बाई सी ये पुट करेंगे तो ये सब तो ऊपर में आ ही गया, तो मेन इफिशेंसी इज इक्वल टू हम लोग दे जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज बट्टे वेलोसिटी रेशियो, और तो मैकेनिकल एडवांटेज का जो यहाँ पे वैल्यू होगा अगर मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं तो मैक्सिमम इफिशेंसी निकलेगा, तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज वन बाई एम ऊपर से लिए हुए हैं यहाँ से, तो यहाँ से अब रख देंगे तो वन बाई एम बाई वेलोसिटी रेशियो, तो देयर फॉर मैक्सिमम इफिशेंसी इज इक्वल टू ये मिलेगा मेरा वन बाई एम इंटू वेलोसिटी रेशियो। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, फिर अब रिलेशन बिटवीन लोड लिफ्टेड एंड द मैकेनिकल एडवांटेज, तो इसमें एक इसके लिए एक रिलेशन है क्या होता है ग्राफ देख लेते हैं, तो एक मैकेनिकल एडवांटेज और लोड का ग्राफ खींचें, तो कह रहा है क्या एज द लोड इंक्रीजेज, मतलब अगर लोड हम बढ़ा रहे हैं ग्राफ से भी दिख रहा है ऐसे, लोड अगर हम बढ़ाते जाते हैं तो इफोर्ट ऑल्सो इंक्रीज है, तो इफोर्ट भी बढ़ रहा है देख रहे हैं, तो द मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वन बाई एम, और ये तब तक बढ़ेगा तो एक टाइम आएगा जबकि ये अब लोड ना लोड हम बढ़ा सकते हैं और ना एफोर्ट हम बढ़ा सॉरी लोड तो बढ़ा सकते हैं लेकिन एफोर्ट उसके बाद नहीं बढ़ेगा, तो ये एसिम्प्टोटिक मेरा कर्व देगा, मतलब जैसे ये कह सकते हैं कभी जनरेटर वगैरह का अगर आप स्टार्ट करें देखें तो फ्लाई व्हील में जो हैंडल लगाते हैं तो जब पहला जब लोड हम अप्लाई करते हैं थोड़ा सा तो वो एफर्ट जो होते हैं एफर्ट मेरा मैक्सिमम होता है, ये वही दिखा रहा है ओरिजिन एफर्ट जो है मेरा मैक्सिमम देते हैं, फिर धीरे धीरे जब ना चाहें तो ये फ्रीली मूव करते हैं, तो एक टाइम आता है कि वो तो मूव करते रहता है लेकिन एफर्ट मेरा लगना कम हो जाता है। तो इस तरह से रिलेशन बिटवीन लोड लिफ्टेड एंड द इफिशेंसी, और लोड लिफ्टेड और इफिशेंसी के बीच में देखते हैं तो इसका भी एक एसिम्प्टोटिक ग्राफ ही देगा, अगर लोड बढ़ेगा तो इफिशेंसी भी इंक्रीज करेगा और धीरे धीरे ये एसिम्प्टोट हो जाएगा, और ये मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वन बाई एम इंटू वेलोसिटी रेशियो जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस तरह से दोस्तों ये टॉपिक मेरा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और अगले लेक्चर अगले वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ सिंपल मशीन्स के बारे में, जैसे कौन कौन सा, जैसे ये हम दिखा दे रहे हैं सिंपल मशीन फ्लोइंग आर्डर, जैसे सिंपल व्हील एंड एक्सल, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल, वर्म एंड वर्म व्हील, सिंगल पर्च क्रैब, डबल पर्च क्रैब, सिंपल स्क्रू जैक, लीवर, सिंपल पुली, तो ये सब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसमें इतना ही, थैंक यू।